हेलो फ्रेंड्स, मुँ आपण मानू मो चैनल रे स्वागत करुच्ची। आज मो चैनल रे आपण मानू पाणियाखिया माछ तरकारी बनेबा देखेबी। पाणियाखिया माछ तरकारी बनेबा पई पाणियाखिया माछ मु आधा केजी नेची। मसला रे मु गोटे छोट प्याज, 4-5 गोला रसुण, गोटे इंच रा अदा, सोरिष छोट चमच, जीरा अधा चमच, गोटे सुखरी लंका नेकी मु पेस्टी को बनेची। आउ गोटे मीडियम प्याज को काटी की फ्राई पैन रखी, 2 कंचा लंका, 2 टमाटो नेची। माछर स्वाद आउ टिके बढ़ेबा पई मो आदरे आमचूर पाउडर यूज करूची। आपण चाहिले तेंदुली किमा आंबुल मते यूज करि पारिबे। तेल मु सोरिष तेल नेची, आपण चाहिले रिफाइन तेल मध्यम व्यवहार करि पारिबे। सुखिला मसला रे नेची हळदी गुंड, लंका गुंड, मसला गुंड। मसला गुंड मु एथरे करी पाउडर व्यवहार करू। ऑन करी कड़े गरम हवा पाई रखि दो। करेटी गरम हो सारलाणी। एबे आमे आधीरे सोरिष तेल दबा। एबे तेल आमर गरम ही आसलाणी, तेल रु धुआ बाहरिबा स्टार्ट हो सारलाणी। एबे आमे आधीरे माछ गुड़ा को मु एबे पकाई देबी। माछर गोटे साइड होगला पर आम आउ गोटे साइड को ओल्टे दबा। माछ गुड़िक देखते ए प्रॉपर भाव हो गला। आम एवं प्लेट को काढ़ी दबा। सेम प्रोसेस रे आम बाकी तक माछ को फ्राई कर नेबी। एबे आमे माछ सब को प्लेट को काढ़ी नब। देखो माछ सब एबे बहुत बढ़िया भाव फ्राई हो सारी। एबे आमे तरकारी करिबा स्टार्ट करिबा। सॉरी मु आपण को से समय कहवाप भूल जाइए। मो आदर गोटे आलु पकई आलु गुड़िक फ्राई हो गला। मुझे काढ़ी नौ पोड़ा तेल को आम व्यवहार नक नुआ तेल मुझे व्यवहार करी। तेणु माछ भाजला बेले मु बड़ चमच रे 3-4 चमच तेल दे थी। एबे छोट चमच रे से 3-4 चमच तेल दे। तेल एबे बहुत बढ़िया से गरम हो गला। एबे मु एथरे कटा हेइथिबा प्याज पकेबी। देखो पियाजर भी गोल्डन कलर आसीगला। आम जो मसला टी बाकी सोरिष मसला ताकूद। मुझे हाफ चमच हलदी गुंड, हाफ चमच काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर एंड हाफ चमच एवं हाफ चमच करी मसला पाउडर। देखो सोरिष मसला कसला टाइम रे आप बहुत भल भाव ध्यान देते जमीक कि मसला कड़ई न लगे। मुझे मसलार टे पा दे। देखो मसला आम प्रॉपरली कसी आसला। एवं आम टमाटो जो कटाई थी टमाटो को सर टमाटो सीझाप एकत्रे लुण दे दूँ। टमाटो सीझाप मुझे पा दे। देखो बढ़िया से मिसीगला टमाटो। एबे हमें जो आलुटा को भाजी थे से आलुटी को पकईद। एबे हमरा आलु मध्ये मसला सहित भल भाव मिसी आसला। एबे मु आधे पानी देबी।
ପାଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝୋଳ ଅନୁସାରେ, ଆପଣ କେତେ ଝୋଳ ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଝୋଳ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 7-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆକୁ କୁକ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଏବେ ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ କରିଦେଉଛି ଘୋଡ଼େଇକି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆଳୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏହି ତରକାରୀର ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଧାରେ 1/2 ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛି। ମୁଁ ଆଧାରେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପଣ ଆଧାରେ ତେନ୍ତୁଳି କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଝୋଳରେ ପକାଇଦେବା। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଝିରୁ ଫାଳ କରିଥିଲି ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 4-5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଆସିଲାଣି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ତରକାରୀ ଏବେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।